श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार से आप सभी को जय माता दी। इस समय हम जो माता वैष्णो देवी भवन में मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुंदर भवन का नज़ारा, और देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो माँ भगवती के दर्शनों के लिए यहाँ पर इस समय जो है वो हाजिरी लगा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो श्रद्धालु इस समय माँ भगवती के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को और सुखद बनाने के लिए श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा यहाँ पर स्काई वॉक जो है वो बनाया जा रहा है, और उसकी तैयारियाँ जो है वो उसका कामकाज जो है वो जोरों शोरों से किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है वो नया स्काई वॉक जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 200 मीटर लंबे इस स्काई वॉक के बन जाने के बाद लगभग 6000 श्रद्धालु सीधा भवन की ओर अपनी यात्रा जो है वो तय कर सकेंगे। इसके अलावा 150 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को बैठने के लिए सुविधा भी इस नए स्काई वॉक के बन जाने के बाद भवन में ही मिलेगी। इसके अलावा इस पूरे स्काई वॉक में शौचालय तथा सेल्फी पॉइंट, वाटर एटीएम्स की सुविधा भी जो है वो ज़रूर मिलेगी। और आने वाले वक्त में भवन में जिस तरीके से आज के समय में अगर हम बात करें तो कभी कभी जो है वो काफ़ी भीड़ देखी जाती है, तो स्काई वॉक के बन जाने से इस भीड़ से भी जो है वो श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी, और श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा वक्त वक्त पर श्रद्धालुओं के की सुविधाओं के लिए कदम जो है वो उठाए जाते हैं। उन्हीं में से ही एक ये बड़ी सौगात जो है वो देखी जा रही है जो आने वाले कुछ समय में श्रद्धालुओं को मिलेगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से स्काई वॉक का कामकाज जो है वो जोरों शोरों से इस समय किया जा रहा है। स्काई वॉक को कुल 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये बड़ी सौगात जो है वो श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो है वो दी जा सकती है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इस समय भारत सरकार दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तेज़ी से कामकाज कर रही है, और ये बताया जाता है कि आज के समय में जब दिल्ली से कटरा बाय रोड कोई यात्री आता है तो उसे लगभग 12 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन जाने से उनकी इस यात्रा का समय भी 6 घंटे तक घटकर रह जाएगा। और कुछ दिन पहले ही भारत सरकार में पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया, माँ भगवती के दरबार में उन्होंने भी जो है वो हाजिरी लगाई, और कटरा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भी ये इस पर जो है वो खासा जोर दिया है कि दिल्ली से कटरा जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा जो है वो भी जो है वो आने वाले वक्त में कम समय पर होने वाली है, और इस पर जो है वो ये बड़ी सौगात जो है वो ये भी जो है वो देश के हर नागरिक को जो है वो मिलने जा रही है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन जाने से यात्री जो है वो आसानी से केवल 6 घंटे में दिल्ली से कटरा की ओर जो है वो अपनी यात्रा जो है वो मुकम्मल कर पाएंगे, और उसके बाद जो है वो ये श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जो है वो यहाँ से आएंगे, जहाँ पर इन्हें हर प्रकार की सुविधा जो है वो श्राइन बोर्ड प्रशासन हो, जिला प्रशासन रियासी हो, जिला पुलिस रियासी हो, ये जो है वो मुहैया करवाने की कोशिश समय समय पर करते हैं। इसके अलावा अभी कुछ हाल ही में जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पर नए दुर्गा भवन का जो है वो उद्घाटन किया है, जिसकी भी सुविधा जो है वो श्रद्धालु ले रहे हैं, और इस साल जो है वो भारी संख्या में और श्रद्धालु जो है यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। देश के हर कोने से जो है यहाँ पर माँ भगवती के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं, आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ, हाजिरी लगाएँ, और आपकी जो है वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी, राहुल कपूर की स्पेशल रिपोर्ट, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, जय माता दी।